हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं कि जिसका नाम है अलंकार। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अलंकार। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अलंकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बहुत सारे प्रश्नों को अलंकार के देने होते हैं। पहचान कैसे होती है, किस तरह के इसके उदाहरण आते हैं, किस तरह से इसकी पहचान होती है, किन किन शब्दों के माध्यम से इसको जाना जाता है। ट्रिक के माध्यम से भी हम जानेंगे कि अलंकार को किस तरह से आप पहचान सकें, आप एक शाब्दिक परिभाषा के रूप में भी जान सकें और ट्रिक के माध्यम से भी पहचान सकें कि क्या चीज़ें होती। आप उस अलंकार को देखते ही आप पहचान लें कि इसमें यही अलंकार है। एकदम उसमें किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ऐसे अलंकार मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे अलंकार को बताने से पहले जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और बाकी लोग जितने लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जुड़ नहीं रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, तो मेरा नहीं नुकसान कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा काम कहना है, यहाँ से अनुरोध करना है, तो आप यहाँ से एक बार फिर कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ख़ुद भी जुड़िए। आप पूरे टाइम तक जुड़िए, ये नहीं कि गुड मॉर्निंग कह के, गुड आफ्टरनून कह के, गुड इवनिंग कह के आप गायब हो जाएं। आप पूरे टाइम तक बने रहें, हमको धोखा दे रहे हैं। हमको तो पता ही रहता है कि कौन कितने मिनट कितने सेकंड तक जुड़ा होता है, ये तो मुझे पता ही रहता है। लेकिन मैं यहाँ से कह नहीं सकता ना कि कौन कितने मिनट, उनको लगता होगा कि गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून कह के वो निकल लिए, सर को पता हो गया कि इतने टाइम तक सर वो हम आए थे, पूरी क्लास देखे हैं। ये तो हमको यहाँ तक पता होता है कि आप कितने बजे सेकेंड मिनट के सेकेंड पर जुड़े हैं और कितने सेकेंड पर आप यहाँ से हट गए हैं। वो सारी चीज़ें मुझे पता रहती है, मुझे सारी चीज़ें यहाँ मैं देख लेता हूँ। लेकिन फिर फिलहाल मुझे मेरा वो मुद्दा नहीं है कि आप जुड़े हैं वो ना जुड़े हैं, आपकी मर्जी। मुझे देखने के दिखावा पसंद नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। तब बात करते हैं अलंकार। ये आपके एग्जाम में ऐसा कोई हिंदी का ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें अलंकार न पूछा गया, अब बताएं। यानी ये ऐसा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी का ये जो अलंकार है ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। ऐसा कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं है जिसमें अलंकार से प्रश्न न पूछे जाते हों। सिलेबस चेंज होता रहता है लेकिन कहीं ना कहीं पुट के रूप में दिखाई देता है। अब सबसे पहले हम पूछते हैं अलंकार। अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है? अलंकार अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है? प्रश्न मेरा यही है, आप बताइए किन शब्दों से मिलकर बना अलंकार। आप इसकी शाब्दिक अर्थ नहीं पूछ रहा हूं, मैं शब्दों से पूछ रहा हूं कि किन शब्दों से बना है। शाब्दिक अर्थ भी बताइएगा, फिलहाल मैं शब्दों के पूछ रहा हूं कि किन शब्दों से मिलकर बना है। तो इसके शाब्दिक जो शब्द है, अलम अलम धन कार, अलम धन कार। यानी अलंकार जो है दो शब्दों से मिलके बना है। अलंकार जो है दो शब्दों से मिलके बना है, अलम धन कार। अलम धन कार, ये कार वो नहीं जिसमें आप बैठ के कहीं घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, चाहे जहां यहां से वहां फुदकते रहते हैं, वो नहीं। कार का मतलब करने वाला। कार का अब इसका अर्थ भी बता दूं तो आपको और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे कार लिखा है तो सर तो आप कार बताए थे, चलने वाला कार, कार का ब्रांड नहीं बता रहे हैं, कौन से कार की बात हो रही है। तो मैं उस कार की बात नहीं कर रहा हूँ। अलम अलम का जो अर्थ होता है इसको कहा जाता है आभूषण, आभूषण। और कार का अर्थ होता है करने वाला। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। यानी जो एक तरह से कहा जाए कि जो चीजें जिस चीज को कर लेती हैं उससे उस चीज की शोभा बढ़ जाती है, उसको क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। और जो आप लोग पढ़े हैं उसमें ये कहा जाता हो किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार मीन्स होता ही है कि आभूषण, यानी जो आभूषण आप पहनते हैं उससे खूबसूरती में क्या होता है? चार चांद लग जाते हैं। कहते हैं ना बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जच रहा है आपके ऊपर, बहुत इससे निखार आ गया है, वो क्या है? वो आपके आभूषण हैं। आभूषण सिर्फ सोने के हों, चांदी के हों, डायमंड के हों, प्लैटिनम के हों, बस उसी चीज के नहीं हो सकते हैं।
बहुत सारी चीजों के अलंकार हो सकते हैं जिससे शरीर की शोभा बढ़ती है। उसी तरह यहाँ पे अलंकार की बात हो रही है कि बहुत प्रकार के अलंकार होते हैं और उन अलंकारों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ा दी जाती है। वो अलंकार किसी काव्य में प्रयोग होते हैं, किसी चरित्र में प्रयोग होते हैं, किसी पद्य में प्रयोग होते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उस काव्य की, उस रचना की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। जैसे महिलाएं आभूषण धारण करती हैं शादी विवाह के दिन, देखे होंगे तो उनकी खूबसूरती क्या होती है, बढ़ जाती है। वही अलंकार है कि किसी चीज़ को वो धारण करती हैं, क्या अलंकार है वो, किस रूप में। महिलाएं अलंकार धारण नहीं करती है, महिलाएं आभूषण धारण करती हैं, ठीक, जिसको कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ में। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक ये चीजें तो आप बिल्कुल ही जानते होंगे। शाब्दिक अर्थ यही कहते हैं आभूषण, आभूषण या सजावट। सजावट इसलिए कह रहे हैं कि आप आभूषण से तात्पर्य सिर्फ सोना चांदी प्लैटिनम डायमंड से ही लेते होंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हीं चारों चीज़ों को पहनेंगे वही चीज़ें आभूषण है। आप आभूषण किसी रूपों में हो सकता है, किसी भी रूपों में हो सकता है। आप कोई पत्थर पहन लें वो भी आभूषण कहलाता है, कोई मिट्टी का कोई यूनिक चीज़ पहन लेते हैं चाहे दिखाते हैं वो भी आभूषण कहलाता है। तो आभूषण में ये नहीं कि सिर्फ आप धातुओं के रूप में जो बनाई जाती है वही, आप इस धातु के रूप में भी जो एक तरह से नहीं कीमती होती है लेकिन फिर भी उसके साथ लगने से उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो ये कहते हैं आभूषण या सजावट, यानी आप किस तरह का, कोई मेकअप कम पैसे का करता है, कोई ज़्यादा पैसे करता है, कोई उससे ज़्यादा पैसे करता है, लेकिन बात एक ही हुई ना, सजावट एक ही हुई ना, एक ही तरह की, लेकिन हाँ उसमें वैरायटी, उसकी शोभा, उसके देखने में थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर होता है। होता तो एक ही है मेकअप, लेकिन उसको विभिन्न तरीकों से, उसी तरह अलंकार विभिन्न तरीकों से होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या कहा जाता है, आभूषण या सजावट। अब अगला प्रश्न है कि अलंकार की उत्पत्ति, अलंकार की उत्पत्ति, अलंकार की उत्पत्ति कैसे हुई है, अलंकार की उत्पत्ति कैसे हुई है, जल्दी बताइए। कौन कौन से ऐसे शब्दों से मिलके, जैसे शुरुआत में कहा जाता है ना कि कौन से धातु का प्रयोग हुआ है, कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें किस चीज़ों से प्रयोग से अलंकार शब्द बना है, ये वो अलंकार है, ये शब्द किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो पहला शब्द यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अलम, ठीक, उसके बाद कौन सी धातु प्रयोग होती है अलंकार में, कौन सी धातु प्रयोग होती है अलंकार में, कौन सी धातु प्रयोग होती है, यानी क्रि धातु, यहां धातु मैं लिख दे रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्रि धातु, प्लस कौन सा प्रत्यय, उपसर्ग पहले लगता है शब्दों के और प्रत्यय बाद में, यानी अलंकार के सबसे बाद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, बताइए। ये संस्कृत के वर्ड हैं, आप नॉर्मली प्रत्यय ढूंढेंगे नहीं पाएंगे, लेकिन संस्कृत के ऐसे कौन से प्रत्यय अलंकार में लगा हुआ है जिससे ये पूरी तरह इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, यानी प्रश्न आपसे एग्जाम में यही पूछे थे तो क्या करेंगे आप बताइए। आप कहेंगे ध और ध या ध, यानी ये प्रत्यय। अब आप आसानी से कह सकते हैं अलम शब्द है, क्रि धातु है, ध प्रत्यय है, इन शब्दों से मिलके अलंकार जो होता है इसी से इसकी उत्पत्ति होती है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति किसे, अलम क्रि ध, ठीक, इन शब्दों से अलंकार की उत्पत्ति होती है। किसी प्रकार के इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार और बता दीजिए, और जितने लोग अभी नए जुड़े हैं एक बार और मैं कहूँगा कि एक बार 10 सेकंड लेके वीडियो को वो शेयर कर दें, जितने लोगों को अधिक से अधिक हो सके वीडियो को शेयर कर दो और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लें, 10 सेकंड ले लें, तब तक ये देखते रहें और वीडियो को 10 सेकंड लेके शेयर कर दें, ठीक, मैं तब तक इसको मिटा रहा हूँ।
अब अलंकार के भेद होगा अगली हेडिंग, तब तक मिटा रहा हूं, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अलंकार के भेद, अलंकार के कितने भेद होते हैं जल्दी बताइए, आप बता दीजिए, एक बार मैं लिख दूं, अलंकार के कितने भेद होते हैं आप बताइए। तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो प्रयोग में आते हैं वो दो ही प्रयोग में आते हैं। भेद तो होते हैं तीन कहने के लिए, लेकिन अगर प्रयोग में जो लाए जाते हैं मुख्य रूप से अलंकार को, तो उसके दो भेद होते हैं। लेकिन नॉर्मली प्रश्न जब पूछा जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप तीन ही कहेंगे। लेकिन अगर पूछे कि अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं, तब आप कहेंगे दो होते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। अगर पूछे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप तीन कहेंगे। लेकिन वही प्रश्न थोड़ा सा चेंज करें कि अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो आप दो कहेंगे। तो अलंकार के भेद तीन होते हैं, उन तीनों का क्या क्या नाम है? सबसे पहले क, शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। तीसरा है उभयालंकार। ये तीन प्रकार के अलंकार होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये तीन प्रकार के जो तीनों बताए गए हैं, वो तीनों यही हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। यानी तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रयोग कितने आते हैं? दो ही प्रयोग में आते हैं, अक्सर यही दोनों प्रयोग में आते हैं, इसीलिए मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मली सामान्य रूप से तीन होते हैं। इन तीनों के नाम लिखाई दे रहे हैं। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं ये बताएंगे आप, शब्दालंकार किसे कहते हैं, मतलब इसकी भी कोई ना कोई परिभाषा होती होगी शब्दालंकार की, तभी तो आप कहते हैं शब्दालंकार है। जल्दी बताइए, कह सकते हैं जिस शब्दों के, जिस शब्दों के प्रयोग से काव्य में, जिन शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, जिस शब्दों के प्रयोग से, कह सकते हैं कि जिस शब्दों के प्रयोग से काव्य में, यानी कोई रचना है काव्य की तरह, तो उसमें चमत्कार, यानी वो और भी खूबसूरत नजर आए, और भी कहने की कला उसकी बढ़िया लगे, आपको और आकर्षक लगे। वही कह रहा कि आपको और आकर्षक लगे, पहले नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसको अलंकार के माध्यम से प्रयोग करके बताना शुरू किया आपने, तो वो क्या हो गई, और भी आकर्षक, यानी पहले ठीक नहीं था, अब बहुत ही अच्छा लगने लगा, वही चमत्कार उत्पन्न हो जाता था। जैसे आप कहते हैं ना, वो 15 साल पहले देखे थे बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब देख रहे हैं इतना खूबसूरत दिख रहा है, इतना खूबसूरत दिख रही है, ये शब्द प्रयोग करते हैं ना, अब उसके पहले और अब में उसके बहुत अंतर आ गया। यानी वो चीज़ें, आप आश्चर्य से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है ना, तो ठीक किस में, ये देखने वाली चीज़ ये होगी शब्दों के प्रयोग से। यानी किसी भी काव्य में शब्द अगर बढ़िया है और शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ शब्दालंकार होगा। अब अर्थालंकार में ले लेते हैं कि यही ठीक, जिस अर्थ के प्रयोग से काव्य में चमत्कार
उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। यहां पे था शब्द, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अर्थ, यानी जिसमें अर्थ, देखिए अर्थ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, तो वही कह रहा है जिसके अर्थों के माध्यम से, यानी हम कह रहे हैं उसी शब्द को किसी अन्य नाम से, और वही उसका पर्यायवाची बोल रहा है उस शब्द के साथ, उस वाक्य के साथ, उस रचना के साथ, तो उसको उसमें क्या हो रहा है, कह रहे यार इस जगह पे बहुत बढ़िया लग, जैसे सॉन्ग गीत वगैरह होता है ना, तो उसमें देखिए तुकबंदी होती है, एक सॉन्ग खत्म होता है उसमें जैसे अगली वाली लाइन होती है उस पहली वाली लाइन से रिलेटेड होती है, और लास्ट में एक ही लाइन को बार बार रिपीट करके गाया जाता है। तो वही कह रहा है उसके अर्थ, अर्थ के प्रयोग से काव्य में चमत्कार हो, यहाँ पे शब्द के प्रयोग से काव्य में चमत्कार हो रहा था, यहाँ पे अर्थ के, यानी अर्थालंकार के अनुसार अर्थ और शब्दालंकार के अनुसार शब्द, पकड़ के रखिएगा, शब्दालंकार के अनुसार शब्द, अर्थालंकार के अनुसार अर्थ, ये चीजें हैं। अब उभयालंकार किसे कहते हैं भाई? उभयालंकार, इसमें कहा जाता है कि शब्दालंकार प्लस अर्थालंकार दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि जिसे जिसमें शब्दालंकार प्लस अर्थालंकार के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो उसे उभयालंकार कहते हैं। ये एक बार देख लीजिए, जो उभयालंकार है इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि इसमें शब्दालंकार प्लस अर्थालंकार दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं जिसमें शब्दालंकार प्लस अर्थालंकार के प्रयोग से चमत्कार, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार के दोनों का अगर हम प्रयोग एक साथ करते हैं उसके साथ चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं भाई? उभयालंकार कहते हैं। एक चीज है यहाँ पर कन्फर्म, यहाँ शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे अर्थों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ शब्द और अर्थ दोनों के गुण पाने के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं भाई? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ये तीन भेद होते हैं, ठीक, ये तीन भेद होते हैं। यहाँ तक कन्फर्म? कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं एक एक की, शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, अर्थालंकार में कौन कौन से, और उभयालंकार में कौन कौन से। यहां लिखेंगे हम शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा लिखेंगे उभयालंकार। एक एक की बात करते चलेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। आप बताएंगे कौन कौन से, आप बताइए पहले, तब मैं, आप बताइए। श्लेष, उसके बाद विप्सा, उसके बाद आप बताइए ना,
आप भी बताते रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप बताइए। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। अगला बताइए, वक्रोक्ति के बाद क्या आता है? पुनरोक्ति, पुनरोक्ति। और लास्ट इसका सातवां, पुनरुक्त वदा भास, पुनरुक्त वदा भास। एक बार मैं इसका नाम दोहरा दे रहा हूं, जिससे अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो और सुनने में आपको परेशानी हो रही हो, तो आपको वो चीजें स्पष्ट दिखाई दें, सुनाई दें। सबसे पहले मैंने लिखा अनुप्रास अलंकार, दूसरा मैंने लिखा यमक अलंकार, तीसरा मैंने लिखा श्लेष अलंकार, चौथा मैंने लिखा विप्सा अलंकार, पांचवा मैंने लिखा वक्रोक्ति अलंकार, छठवां लिखा मैंने पुनरुक्ति अलंकार, और सातवां लिखा पुनरुक्त वदाभास, पुनरुक्त वदाभास, पुनरुक्त वदाभास। ये सातवां अलंकार। कहा जाता है कि शब्दालंकार के अंतर्गत सात अलंकार होते हैं। कहा जाता है कि शब्दालंकार के अंतर्गत सात अलंकार होते हैं। कितने? सात होते हैं। लेकिन आप जो भी सोचें, जैसे भी सोचें, आपको इम्पॉर्टेंट यही तीनों दिखाई देते हैं, लेकिन होते तो सात हैं। कहीं कहीं इस तरह के प्रश्नों को भी पूछता है, लेकिन ये तीन आपको मुख्य रूप से एग्जाम में अगर दिए होंगे तो जरूर ये इन तीनों से जरूर कहीं न कहीं वो प्रश्न पूछा ही पूछा होगा। जैसे अब बात करते हैं अर्थालंकार के अंतर्गत, अर्थालंकार के अंतर्गत बताइए, आप बताइए। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, यहां तक क्लियर? चौथा है मानवीकरण, पांचवा है विरोधाभास, छठवां है संदेह, सातवां है, अभी बहुत सारे अलंकार हैं इसके, भ्रांतिमान, आठवां है अनुयोक्ति, नौवां है, आप बताते रहिए, विभावना, दसवां कौन सा है? हम लिख देंगे दसवां, ना लिख के यहां लिख देंगे आदि। यानी अर्थालंकार जो होता है आज के डेट में भी काउंट करेंगे तो काउंट नहीं हो सकता है, इसकी गिनती की ही नहीं जा सकती। रोज नए अलंकारों की इसमें जुड़ाव होता है, रोज नए अलंकार इसमें जुड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे शब्दालंकार का तो काउंट हमने कर लिया कि सात होते हैं। इसमें भी आगे जुड़ने की बात हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सात ही होते हैं और भविष्य में सात से आठ नहीं हो सकते, दस नहीं हो सकते। फिलहाल जितने हैं वो सात शब्दालंकार के अंतर्गत हैं। उसके बाद अर्थालंकार की बात करते हैं, तो इसमें अभी तक गिनती नहीं हो पाई है कि कितने अलंकार होते हैं, लेकिन जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा मैंने लिख दिया है। एक बार मैं बोल के सुना दे रहा हूँ, जिससे आपको देखने में दिक्कत हो रही हो। तो पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है मानवीकरण, पाँचवा है विरोधाभास, छठवां संदेह, सातवां भ्रांतिमान, आठवां अनुयोक्ति और नौवां विभावना। ये सारे के सारे अलंकार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इन एक एक अलंकारों की हम व्याख्या करते चलेंगे, समझते चलेंगे, जैसी जैसी चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें एक एक को उदाहरणों के माध्यम से बताते चलेंगे, जिससे आप देखते ही 3 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर अलंकार वो खत्म कर दें।
ये न रहे कि अलंकार के बारे में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी रहे। मेरे साथ एक बार जुड़े रहिए, आपका अलंकार का जो समस्या है, सबसे ज़्यादा समस्या इसमें आती होगी, आप तो बस दो ही चार उदाहरण रट लिए होंगे, जैसे कनक कनकते सौगिनी, आप आँख मूंद के रट लिए होंगे, लेकिन वो इतना जान लीजिए बोर्ड ये प्रश्न नहीं पूछेगा। आप एक और, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन मोती रहन, ये इस तरह के जो चीज़ें हैं आपने इसको भी रट्टा मार लिया है, तो ये फिर बोर्ड नहीं पूछेगा। तरिन तरुजा तरमाल, इस तरह के आप प्रश्नों को सोच रहे होंगे तो बोर्ड पूछेगा नहीं। ये जो रटे रटाए आपको उदाहरण है, बोर्ड ये चीज़ अब नहीं पूछने वाली, क्योंकि आप वो पकड़ लिया कि बस आप उदाहरण याद कर लेते हो और इन चीज़ों के बारे में आप जानते बिल्कुल नहीं। अब क्या करता है, सीधा परिभाषा पूछ रहा है कि ये परिभाषा किस अलंकार की है। यहाँ अलंकार लिखा होगा, अनुप्रास लिखा होगा, इसमें लाइन में एबीसीडी दिया होगा कि फलाने ये शब्द दोहराए जाते हैं, इसमें बार बार शब्दों की आवृत्ति होती है, चाहे इसी शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, इसके माध्यम से अब बताना हो रहा है। अब सोचिए अलंकार वही है, पैटर्न उसने चेंज कर दिया, अब न शब्दों के अर्थ न पूछ के वो सीधा सीधा परिभाषा पूछ रहा होता है। इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा और सारी की सारी परिभाषाएँ जाननी होंगी और अर्थालंकार। अब उभयालंकार की हम बात करते हैं। उभयालंकार में ये होता है कि इसमें कोई अलंकार नहीं होता है। उभयालंकार में ये चीज़ें होती हैं कि इसमें अलंकार नहीं होता है, यानी नहीं हम लिख देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जब एक कोई दोहा होगा, सोरठा होगा, उसमें क्या होगा कि इन दोनों का शब्द अलंकार और अर्थालंकार अगर जब दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं तभी उभयालंकार होगा। इसका पार्टिकुलर इस तरह के नाम आपको नहीं मिलेंगे। मिलेंगे किस तरह से, शब्द अलंकार अर्थालंकार दोनों रूपों में इसका प्रयोग हुआ होगा तब जाके वो उभयालंकार कहलाएगा। इसके कोई पार्टिकुलर किसी नाम से संबंधित कोई अलंकार नहीं होता है। आप उसको बस यही कहते हैं कि इसमें शब्दालंकार प्रयोग हुआ है, इसमें अर्थालंकार, दोनों अलंकारों का एक साथ, यानी दोनों अलंकारों का मतलब एक साथ, अनुप्रास मानवीकरण, यमक उपमा, श्लेष रूपक, यानी कोई भी इसमें से अलंकार इसमें आ जाएगा, इसमें वाला उसमें चला जाएगा, और दोनों साथ साथ दिखेंगे, वो उभयालंकार कहलाता है। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं, कल हम लोग एक एक अलंकार के बारे में जानते चलेंगे कि कौन कौन सा अलंकार है, किस क्या क्या इसके उदाहरण हैं, कौन कौन से इसकी पहचानने की क्षमता होती है। ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे, शब्दों के माध्यम से भी जानेंगे, बाकायदे परिभाषा भी जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा ही पूछी जा रही है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो लोग लेट से जुड़ रहे हैं, भैया समय से आइए और पूरी क्लास तक बने रहिए। इस संख्याओं को थोड़ा और बढ़ाइए जिससे हमारा जो है मनोबल और ज़्यादा बढ़े। आप लोग मेरा मनोबल ही गिरा देते हो, लेकिन मेरा मनोबल टूटने वाला नहीं है। वो कहता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो मेरा भी वही है। आप एक आए, चार आए, दस आए, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको जब तक मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा नहीं, आप सीखने के लिए तत्पर रहिए, मैं सिखाने के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद।